हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। और मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है। प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज है टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सभी टीचर को हार्दिक शुभकामनाएँ। और सुबह का टाइम हो रहा है। वर्षिका ने डाली है आज साड़ी, क्योंकि आज वर्षिका टीचर्स बन रही है और फाइनल ईयर है वर्षिका के स्कूल में 12th क्लास में। तो 12th क्लास के बच्चे हैं जो सभी बच्चे टीचर्स बनते हैं, जो उनकी मैडम बोलती है उनको बनने के लिए। ये एक फेयरवेल पार्टी के जैसे होती है। तो वंशिका ने आज साड़ी पहनी है और सभी बच्चों को, लड़कियों को साड़ी पहन के बुलाया है स्कूल में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वंशिका के लिए मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, ये थी वो साड़ी। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। काफ़ी पुरानी साड़ी है ये मेरी, लेकिन बहुत ही सुंदर और लाइट वेट साड़ी है, अच्छा है। पहली बार साड़ी पहने तो लाइट वेट ही पहननी चाहिए, क्योंकि संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वंशिका ने निधि की चोटी बनाई है, उसके बाद अभी अपने बाल बनाएगी। और वंशिका को बहुत ही ज़्यादा शौक चढ़ा था 2 दिनों से। वंशिका बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी टीचर बनने के उपलक्ष्य में, और साड़ी पहनने की खुशी में कि मैं कैसी पहनूंगी और कैसी मैं लगूंगी। तो देख लीजिए, वंशिका ने साड़ी पहन ली है और अभी वंशिका प्रॉपर तैयार हो रही है। बस मैंने कहा हल्का ही रखी हो, कम्फर्टेबल रहेगी, जिससे कि वहाँ पे भी स्कूल में भी और अच्छे से घूम फिर पाएगी। तो पहले वंशिका ने हील पहन ली थी, लेकिन फिर उसके बाद फिर फ्लैट ही चप्पल पहन के गई। बोल रही थी कि मम्मी वहाँ पे जीने चढ़ने होंगे, ऊपर नीचे उतरना होगा। तो फिर अगर हील पहनती तो और भी थोड़ी अच्छी लगती है हाइट में, क्योंकि साड़ी पहनो तो हाइट होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाइट वाली साड़ी पहनते हैं तो उनकी और भी अच्छी लगती है, लेकिन वंशिका की हाइट थोड़ी कम रह गई है, अभी तो बढ़ेगी। तो ये देखिए वंशिका की साड़ी, और वंशिका तैयार भी हो गई है, खुले बाल ही करके जाएगी वंशिका। और अभी बस निकलने वाले हैं, टाइम इनका हो गया है, इनको 6:30 पौने 7 बजे निकलना होता है, 7 बजे स्कूल शुरू हो जाता है। वंशिका जा चुके हैं स्कूल के लिए, उसके पापा उनको छोड़ के आ गए हैं। और मेरा काम शुरू हो गया है सुबह का रूटीन, खाना बनाने का। तो मैं बना रही हूँ खाने में घी के कोफ्ते, कुछ भी सब्जी अभी फिलहाल में अच्छी नहीं लग रही है खाने में, कुछ भी बना लो, कुछ किसी चीज़ में भी स्वाद नहीं है। तो घिया मैंने ले रखा था और उसके मैंने बनाए हैं अभी कोफ्ते। तो ये देखे कोफ्ते बनके मेरे तैयार हो गए हैं। मैंने पहले भी आपके साथ कोफ्ते की रेसिपी शेयर की है, अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से आपके साथ शेयर कर दूँगी मैंने घिया कैसा था। नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं करूँगी, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने कर रखी है। तो ये देखे कोफ्ते मेरे बनके तैयार हो गए हैं, और थोड़े थोड़े हल्के ब्राउन ही हमें ये तलने होते हैं, ज़्यादा इनको नहीं हम तलते हैं। तो बस थोड़ा सुनहरा होने तक हम इनको तलेंगे और ये हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो जाएंगे। तो सुबह इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करा है इसको। पहले कसना होता है, उसके बाद मसाले, फिर उनके पकौड़े तैयार करने होते हैं, उसके बाद सब्जी बनती है। तो प्याज मैंने काट के रख रखी है और टमाटर, दोनों चीज़ें काट के मैं रख लूँगी, ताकि जब ये पकौड़े मेरे हो जाएं, कोफ्ते बन जाएं। ये बड़ा साइज़ का घिया था तो मैंने आधा इसमें से बचा लिया था, अगर सारे बनाती तो बहुत ज़्यादा बन जाते। तो बस मेरे लिए इतने बहुत हैं, काफ़ी हैं इतने कोफ्ते। और ये देखिए सारे मेरे बन के तैयार हो गए हैं। तेल ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा तेल जब सब्जी बनाऊँगी निकालूँगी, ये नहीं है कि जितना भी तेल बचे उसी में बना दूँगी। तो बस अब मैं सब्जी बन चुकी है। और ये वंशिका स्कूल से एक क्लिप बना के लेके आई थी अपने टीचर्स, ये इसकी फ्रेंडें हैं सारी उनके साथ, और अपनी पिक वगैरह भी शेयर की थी। तो ये सारी वंशिका की फ्रेंडें हैं स्कूल में, जैसे मैम ग्रुप में डाल देती हैं वीडियो वैसे डाली थी, तो वहीं से हमने ली है ये।
तो सारी फ्रेंडे वासी का कि काफी अच्छी लग रही थी, और स्कूल में जाके सब लड़कियों के साथ मिलके अच्छी लग रही थी। घर में अच्छे कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वंशिका शर्मा रही थी क्योंकि वंशिका ने पहली बार पहनी है, और घूमने फिरने में भी उसको चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा बेटा जब सभी बच्चे पहन रहे हैं तो हमें तो पहननी पड़ेगी। सभी बच्चे काफ़ी बहुत सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारे सेक्शन हैं 12th क्लास के में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था स्कूल में। ये देखिए कितना रंग बिरंगा कलरफुल स्कूल लग रहा है वंशिका का। और वंशिका स्कूल से आ चुकी है, टाइम अपना वही टाइम पे ही अपनी छुट्टी हुई है। मुझे लगा था पहले ही छुट्टी हो जाएगी, जैसे बच्चों को बुलाया है कि साड़ी पहन के तो जल्दी छुट्टी कर देंगे, लेकिन नहीं, अब वंशिका का वही टाइम 1 बजे का है, तो 1 बजे ही बच्चों की छुट्टी हुई है। और अभी वंशिका आके अपना थोड़ा सा काम कर रही है और रेस्ट कर रही है। बोल रही थी साड़ी में परेशान हो कि बहुत ज़्यादा चलने फिरने में दिक्कत, और पीरियड भी लगवाए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्लास में गए थे तो बहुत सारी क्लासों में जाना पड़ा उनको 3rd से 4th फ्लोर पे, इसलिए वंशिका थक चुकी है आज काफ़ी। और ये है शाम का टाइम, जैसे कि आपको पता ही हम गणेश जी आए हुए हैं सभी के घरों पे, हमारी गली में भी आए हुए हैं, तो मैंने अभी तक एक बार भी वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया है। मैं यही गणेश जी का प्रसाद बना रही हूँ। मैं मोदक सोच रही थी, लेकिन मुझे फिर वो नहीं मिले जो उनका फ्रेम होता है बनाने का मोदक वाला, तो मैंने पहले तो ये बैटर तो मैंने मोदक वाला ही तैयार किया था, लेकिन उसके बाद सारा प्लान ख़राब हो गया। लेकिन मैंने प्रसाद काफ़ी मन से बनाया है, और ये खोए वाला है जो मैं लड्डू सोच रही थी पहले तो कि पेड़े जैसे बना लूँ मोदक बना लूँगी, फिर उसके बाद हमें वो नहीं मिले मोदक बनाने का। और ये बूरा है, और ये कसा हुआ गोले का बरूदा, तो बस ये सारी चीज़ें मिला के मैं बनाऊँगी गणेश जी का प्रसाद। जो शाम के टाइम आरती होती है, सब अपने घर से जिसकी भी इच्छा हो, जिसका मन करे, श्रद्धा हो, वो लेके चला जाए, तो मैं गणेश जी के लिए प्रसाद लेके जाऊंगी आज शाम को। और वहाँ पे मैं फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और पूजा पाठ होती रहती है, तो वहाँ पे क्या वीडियो बनाएं, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। गणेश जी का प्रसाद मैंने फिर वो नहीं मिले मुझे, तो मैंने फिर वैसे ही ये जमा दिया है जैसे पिछली जैसे जन्माष्टमी पे मैंने बनाया था, वैसे बना दिया है प्रसाद। और बस शाम को आरती के टाइम मैं लेके चली जाऊंगी। गणेश जी का प्रसाद तैयार हो चुका है। और शाम के 6 बज रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक पीर है जो मेरी भाभी आई हुई है छोटी। जब मेरे भाई भतीजे का ऑपरेशन हुआ था तो मैंने वहाँ पे प्रसाद बोला था, इसके 2-2 बार ऑपरेशन हुए थे, और जब मैंने प्रसाद बोला था दूसरा ऑपरेशन ठीक हुआ, और इसको छुट्टी भी जल्दी ही मिल गई थी फिर 10 से 15 दिनों में नहीं बस। तो मैं वहीं पर इसको प्रसाद चढ़वाने के लिए लेके जा रही हूँ पीर पे। और आज ही घर पे आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी प्रसाद चढ़वा देती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुके हैं। अभी ये घर पे आए हुए थे आज, और आज दिन का भी पीर का ही था वीरवार का, तो मैंने सोचा चलो आज लेके चलते हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम वहीं पे पीर पे जा रहे हैं, फिर तो पता नहीं कब ऐसा मौका मिलता कि हम जाते। और जिसके लिए प्रसाद बोला है वही उसी के साथ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी बस जा रहे हैं, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।